एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब? एंड आप लोग देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ. एंड एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद कि मेरे न्यू ईयर प्लान्स नहीं है और इस बार पार्टी नहीं है. नीदर यू नो हाउस पार्टी और नॉर क्लब और वो सारा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. समटाइम्स आपका ग्रुप इतना बड़ा होता है कि आपको चीज़ों को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ. इस बार सब इधर उधर स्टक हैं, और मम्मी डैडी हैं उनको ज़्यादा कुछ शौक है नहीं. वंशी अभी जाके सो गई है, बट मुझे 31st ना मेरे लिए बड़ा स्पेशल सा रहता है, और हर बार मैं कुछ ना कुछ करती हूँ. बट ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता. आज मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ. मेरा बॉनफायर ऑल टाइम फेवरेट, और ये आप लोगों ने देखी होगी. पता नहीं मैं कहाँ से निकाल के लाई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है यू नो बॉनफायर करने में. और आज कोई है भी नहीं, तो या फ्रेंड्स इधर उधर जॉब की वजह से हो गए. किन्हीं का बिजनेस है, एक फ्रेंड है ही इज़ नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट बिकॉज उनकी अब शादी भी होने वाली है, सो वो इधर उधर के कामों में भी लगे हुए हैं. सो यस, इस बार आप हैं, हम हैं, बस आप हैं और मैं हूँ और मेरा बॉर्न फायर है. सो यस, मैं इस तरीके से अपना टाइम इन्जॉय कर रही हूँ. और ठीक है, कई बार नहीं हो पाता तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि कुछ ना कुछ यू नो सल्यूशन निकालें. और बस ऐसे ही भाई भाभी भी यहाँ नहीं है, उनके अपने अलग प्लान्स हैं, अलग लाइफ है. सो यस, अपने प्लान्स, अपनी चीज़ें कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए. और बस ऐसे, क्योंकि एकदम से जब चीज़ें नहीं होती या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ना बैड सा फील होता है, या थोड़े आप अपसेट होते हो, तो ऐसा ना हो. तो बस यही है इस ब्लॉग में, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है. बस मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के न्यू ईयर के प्लान्स क्या हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं. बस मैंने कल मॉर्निंग में, आज मैं मंगला नहीं गई थी, आप लोगों को पता होगा हर संडे को मैं मंगला जाती हूँ, तो मैं आज ना जाके मैं कल 1st January को मंगला जाऊँगी. मतलब इनफैक्ट हम लोगों का सबका प्लान है, लेट्स सी मम्मी डैडी रेडी हो जाते हैं तो ठीक है, बिकॉज उसके लिए 3:00 to 2:30 उठना पड़ता है. सो हम लोग वो प्लान करेंगे, और बस अभी तक का तो इतना प्लान था. सो इन्जॉय योर 31st night एंड वेलकम 2024 1st January विद lots ऑफ लव, पीस, पॉजिटिविटी, सनशाइन, जॉय, और जहाँ भी जाएँ खुशियाँ बांटें, अच्छी चीज़ें करें, किसी को हर्ट मत कीजिए, और बस अपनों के साथ रहिए. बिकॉज यू नो अपने बहुत ब्लेसिंग्स से मिलते हैं, जब नहीं होते आपको टाइम याद आता है. सो यस, बस अभी के लिए इतना ही. मैं करती हूँ अपनी बॉन फायर, इन्जॉय एंड मी टाइम, टेक केयर, बाय बाय ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. मिलती हूँ आपसे कल, बाय. सो गाइस, वंशी भी आ गई है. सो हाय गाइस, मैं नहीं आती हूँ, ले आती ताने मार के, टॉन्ट मार के. मुझे लगा कोई नहीं आएगा, मैंने अपना ब्लॉग पूरा कंप्लीट कर लिया, बट वंशी आ गई तो सोचा वंशी के भी ग्लिम्स दे ही देते हैं. वंशी, नए साल के लिए कुछ कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को, हमारे प्यारी 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 यूट्यूब फैमिली को? ऐसे ही प्यार करते रहिए. अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं इस बॉनफायर में, बट क्या करने वाले पता नहीं. और इस बीच अगर वंशी पहले जाके सो गई थी, और अभी भी मेरे ख्याल से खुशियों के लिए गाइस लोगों की जरूरत नहीं, आपको अपनों की जरूरत है. लेकिन जो आपके पास अपने अभी है ना, उनको संभाल लो, जो पास है वो खास. ओ भाई, ओ भाई, मैं थोड़ी सी यूट्यूबर हूं. वो आता है ना, वो बाय. इसमें बहुत सारी आ गए हैं, मैंने भगवान जी के सामने रख दिए है, और मैं नए ब्लैंकेट्स भी लेके आई हूँ. आराम से कोजी होके सो रहे हैं.